समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया और आज उनका अंतिम संस्कार होना है। 3 बजे वो पहलवान जो राजनीति में उतरा तो उसके बाद राजनीति का भी पहलवान कहलाया और अंतिम दर्शनों के लिए मेला ग्राउंड में उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है। एक एक करके तमाम लोग आम और खास श्रद्धांजलि दे सकते हैं। ये ऐसी जगह रहे है जहां से उनका लगाव रहा है, यहां पर वाते थे, लंबे समय तक कार्यकर्ताओं के साथ बैठे रहते थे। मुलायम सिंह यादव के बारे में खास बात ये कही जाती है कि वो अपने कार्यकर्ताओं के नाम याद रखते थे, जहां जाते थे बकायदा नाम से बुलाते थे। और तस्वीरें आप देख रहे हैं अर्पिता, कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सिफई में मौजूदगी है। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ हैं, कुमार अभिषेक हैं, अशोक सिंघल हमारे साथ हैं। सबसे पहले अशोक, जरा तस्वीरें आप दिखाइए क्योंकि आंखें तो नम है और ये आखिरी लम्हा है जब हर कोई अपने नेताजी को देख लेना चाहता है। बिल्कुल, ये मैं उसी जगह खड़ा हूँ मेला ग्राउंड में जहाँ से मुलायम सिंह ने अपनी कुश्ती की शुरुआत की, जहाँ पर कुश्तियाँ लड़ी, हारी, जीती, यही वहीं पे उनका अंतिम संस्कार होना है। पीछे देख सकते हैं कि यहाँ तैयारियाँ हो रही हैं पूरे अंतिम संस्कार को लेकर के। ये मेला ग्राउंड है और खास बात है कि यहीं इसी के बगल में हनुमान मंदिर के पास उनके परिवार के लोग, उनकी वाइफ मालती देवी का भी फ्यूनरल हुआ था और बाकी सदस्यों का भी यहीं पे फ्यूनरल हुआ था। और मुलायम सिंह के देख सकते हैं अभी लोग जुटना शुरू हुए हैं, सफाई के लोग हैं, पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं, तमाम पार्टियों के नेता उनको अंतिम दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, श्रद्धा श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन खास बात यह कि मुलायम सिंह का एक कनेक्ट था लोगों के साथ, धरती पुत्र, इसलिए उनको कहा जाता था कि आम आदमी, आम कार्यकर्ता के साथ उनका एक लगाव रहता था, चाहे किसी पार्टी का हो। एक व्यक्तिगत रिश्तों को भी वो अहमियत दिया करते थे, हर व्यक्ति को, चाहे छोटा व्यक्ति हो चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, सबको वो नाम से पुकारा करते थे। और एक खास बात ये थी, मुलायम सिंह ने लिबर्टी दी हुई थी लोगों को कि उनका हाथ पकड़ के उनसे बात करते थे, अपनी समस्याएं, अपनी नाराजगी अगर होती थी तो व्यक्त कर सकते थे। मैंने भी मुलायम सिंह के बहुत बार इंटरव्यूज किए, मैं 25-26 साल से जब वो रक्षा मंत्री थे तब से मुलायम सिंह को देखा, वो लोगों से बात इस ढंग से करते जैसे वो अपने हो, हर व्यक्ति को ये एहसास दिलाते थे कि तुम मेरे बहुत नजदीक हो, तुम मेरे अपने हो, हर किसी व्यक्ति के साथ उनका कनेक्ट होता था। चाहे वो दो नेता हैं तो दोनों को ये लगता था मुलायम सिंह मेरे नजदीक है, तो एक मुलायम सिंह का एक अपना तरीका था लोगों से कनेक्ट होने का, जुड़ने का। और ऐसे नेता बहुत कम है, पुरानी पीढ़ी के नेता थे मुलायम सिंह, आज के दौर में ऐसे नेता मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि स्ट्रगल करके वो आए थे, जमीनी नेता थे, लोग उनसे आकर के अपनी समस्या, नाराजगी भी व्यक्त करते थे, तो मुलायम सिंह कभी बुरा नहीं मानते। भीड़ नजर आ रहे हैं, वो दर्शाता था कि कैसी पकड़ उनकी लोगों के बीच में थी, जन नेता थे, यही वजह है कि आज पैर रखने तक की वहां पर जगह नहीं है। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता भी हमारे साथ है, वो भी सफाई में मौजूद है। जितेंद्र, सत्ता पक्ष से विपक्ष से कितने बड़े लीडर्स वहां पर अब तक पहुंच चुके हैं, कितनों का पहुंचना अभी बाकी है, कौन कौन आने वाला है वहां पर उनको अंतिम दर्शनों के लिए? देखिए राजीव, यहाँ पर कोई आम हो या खास हो, हर एक व्यक्ति पहुंच रहा है। मैं इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ यहाँ से सीधे वो तस्वीरें आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो सैफई का मेला ग्राउंड है यहाँ पर कितनी भीड़ लगी हुई है। सड़कें जो थी वो भी खचाखच पूरे सैफई की जो थी वो भरी हुई थी और यहाँ की आप सीधे तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरा सैफई मेला ग्राउंड में हजारों की संख्या में लोग जो है वो अलग अलग जिलों से आए। अभिषेक का भी रुख कर लेते, उनके पास भी कुछ अपडेट, कुछ ताजा तस्वीरें हैं। कुमार अभिषेक, जरा आज तस्वीरें ही अपने आप में बहुत कुछ बोलने के लिए काफी हैं, तस्वीरें दिखा दीजिए। बिल्कुल, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधे मंच से, जहां एक एक करके जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, सांसद हैं, ये सभी लोग एक एक करके नेताजी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है, कॉफिन से ढका हुआ है, तिरंगा लिपटा हुआ है और आप नीचे देखें तो अखिलेश यादव बैठे हैं, उनके बगल में शिवपाल, रामगोपाल यादव हैं, शिवपाल यादव हैं और तमाम जो बड़े नेता इस वक्त समाजवादी पार्टी के हैं वो आपको दिखाई देंगे।